हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ मोना। तो फ्रेंड्स, ये दिवाली का सेकंड पार्ट में वीडियो है। एक्चुअली बहुत लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने दो पार्ट में करके दिवाली का वीडियो अपलोड किया करूँगी। तो फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों ने देख लिया और बहुत ही प्यार दिया है, तो इस वीडियो को भी आप लोग उतना वैसा ही प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, और रेडी एक्चुअली खाना बनाने की में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आपने देखा कि मैंने छोले, पुलाव, मटर पनीर, पूरी, खीर, ये सब इतना बनाया। बस बोलने में इजी लगता है, बट बनाने बैठ जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर घर डेकोरेट करना, फिर मार्केट भी होके आई थी मैं, तो पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे मैं बहुत लाइट मेकअप करूँगी, और ये मैंने पहनी है सिंपल सी साड़ी। सिंपल तो नहीं कह सकते, थोड़ी वर्क वाली है। और इसका ब्लाउज जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे टाइट हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इस पे सिल्वर कलर का ब्लाउज़ वेयर किया है। और ये ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा है, ये मेरी मम्मी ने सिला था और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, मैं बहुत ज़्यादा सिंपल मेकअप करूँगी, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं है। मेकअप के लिए आपको कम से कम 1 घंटा तो चाहिए होता है, तो उतना टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं था। और मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे कि तुम तैयार हो, तो फिर मैं तैयार होऊंगा और फिर पूजा करेंगे। और पूजा करने से पहले ही हमारे साथ एक हादसा हो गया था, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लाइनर, और लाइनर मैं बस आई कॉर्नर में नीचे लगाऊंगी, ऊपर मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आपको पता है फिर उसे सेट करने में टाइम लगता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं बस नीचे काजल लगा लूँगी और लाइनर लगा लूँगी, और थोड़ा सा आई शेडो यूज़ किया है मैंने, हल्का ब्राउनिश टाइप का। और यहाँ पे बस मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो ये लिपस्टिक स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये रेड कलर की है और ये मैट है, लिक्विड लिपस्टिक। तो इसे लगाने के बाद ये कहीं भी फैलता नहीं है, और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। बस आप ये लिपस्टिक भी लगा लेंगे तो मेकअप जो लुक होता है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है, इसीलिए मैंने ये वाला लिपस्टिक चूज़ किया है। और आप लोगों ने भी कमेंट किया था कि ये लिपस्टिक आपकी काफ़ी अच्छी लगती है, तो ये मेरी लिपस्टिक। और ये मेरा लगभग मेकअप हो गया है, इसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाली। मैंने फाउंडेशन भी नहीं लगाया है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ वो क्रीम लगाई है जो लैक्मे की क्रीम है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। और तो ये देखिए, मेरा मेकअप लुक तैयार है, और यहाँ पे मैं लगा लूँगी एक बिंदी। इसके बिना तो फिर मेकअप बिल्कुल अधूरा रहता है। एक लेडी जो शादीशुदा होती है, वो बिंदी के बिना सच में उनका, वैसे लड़कियाँ भी लगाती हैं बिंदी, मैं भी शादी से पहले छोटी सी बिंदी लगा लेती थी किसी मेकअप लुक में। तो ये हो गया मेरा मेकअप, बताइएगा मुझे कैसे लग रहा है। फ्रेंड्स, तो मैं हो गई हूँ रेडी, और देखिए बहुत सिंपल सा मेकअप किया मैंने, क्योंकि टाइम ही नहीं है, बिल्कुल भी लेट हो गई हूँ मैं ऑलरेडी। मैंने लाइनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, बस नीचे लाइनर लगाया है। और ये देखिए, मैं पूरा लुक दिखाऊंगी आपको। ये मुझे मत दिखा देना, मैं दिखा। और ये देखिए, एकदम मैचिंग है चूड़ी। तो चलिए अभी पूजा करना बाकी है, मेन काम बाकी है, तो पूजा करते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं पूजा के लिए, और यहाँ मैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड तीनों मिलके पूजा करेंगे, और आरुष भी बैठा है। बट वही है ना, छोटे बच्चों के साथ नहीं हो पाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे छोटे बच्चे को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। उसे हम नहीं समझा सकते कि हाँ यहीं पे बैठो, यहीं पे पूजा करो। वो अपने खुद में मस्त था और हम लोग इधर पूजा कर रहे थे। और मैं बता रही हूँ कि हुआ क्या था। एक्चुअली हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, ये जो बिल्डिंग है इसमें फिफ्थ फ्लोर तक फ्लैट बना हुआ है, 5 फ्लोर है। तो हम रहते हैं सेकंड फ्लोर में, तो हमने पूजा नहीं किया था। बस मैं तैयार होकर पूजा करने की तैयारी कर रही थी, तो इतने में बाहर से आवाज़ आई, बहुत देर से लोग चिल्ला रहे थे कि आग लग गई है, आग लग गई है। तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो हम जब मैंने बालकनी से झाँक के देखा, तो पता चला कि हमारी ही बिल्डिंग में आग लगी हुई है, 4th फ्लोर पे। हम 2nd फ्लोर पे रह रहे हैं, 4th फ्लोर पे। तो उस समय हमें कुछ भी नहीं सूझा। मैंने मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम आरुष को लेके निकलो, और
मैं मम्मी को बोला कि निकलो और वो भी निकल गए। तो मैंने बोला कि नहीं, आप आरुष को लेके जल्दी से नीचे निकलिए। मैं अपना फ़ोन ढूंढने लगी कि कम से कम एक फ़ोन तो होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से लोग चिल्ला रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग जैसे ही हमने गेट भी बंद नहीं किया, तो फिर मेरे हस्बैंड बोला कि कुंडी लगा दो। तो फिर हमने कुंडी लगाया गेट पे, और नीचे हमने लिफ्ट यूज़ नहीं किया। हमारे लिफ्ट का जो अलार्म था वो किसी ने बजा दिया था कि ताकि सारे लोग नीचे आ जाए। जो अलार्म होता है वो बज चुका था हमारे फ्लैट का, तो मैं और ज़्यादा डर गई थी। तो किसी ने पूछा कि हमारे फ्लैट के ही लोग आके पूछ रहे हैं कि आपके घर बालकनी में लगी है क्या। मैंने कहा नहीं, हमारे बालकनी में तो नहीं लगी है। फिर पता चला फोर्थ फ्लोर पे लगी हुई है आग। फिर हम नीचे जाके देखे, तो जब तक हम नीचे गए हमने सब कुछ समझ पाते तब तक उन्होंने आग बुझा दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि बालकनी में उन्होंने कपड़ा भर के टब रखा हुआ था, और कहीं से रॉकेट आया और उस कपड़े के टब में लग गया और वो आग लग गई। तो ये खैर था कि बालकनी में ही कपड़ा रखा हुआ था, और बालकनी के अंदर रूम में आने के लिए फिर वहाँ पे गेट है, तो उनका गेट बंद होगा। तो फिर जो बालकनी का टब में जिसमें आग लगी थी वो पूरा उन्होंने बुझाया। फिर कल होके मैंने जब देखा उनका टब, तो बुरी तरीके से उनका टब पूरा पिघला हुआ था, कपड़े उसी के अंदर चिपके हुए थे। तो ये बहुत बड़ा हादसा था जो टल गया। उस समय जो हमारी सिचुएशन थी ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। आप लोग समझ सकते हैं, एक छोटे बच्चे को लेके उस समय तो बस ऐसा लग रहा था कि बस कुछ नहीं है, बस भागो नीचे कितनी भी जल्दी हो सके, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, और हमने पूजा भी नहीं किया था। तो फ्रेंड, भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक हो गया, भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और आग ऐसी चीज़ है कि जिसे वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता है, तो मुझे आग से बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे हम लोग फिनिश कर रहे हैं पूजा, और आरुष को भी मैंने गोद में बिठाया हुआ है। एक्चुअली आरुष ने भी कांड कर दिया था, क्योंकि पूजा करने से पहले वो फ्रूट की जो थाली थी, भगवान की पूजा की थाली, उसमें से आरुष ने एक एप्पल उठा के खा लिया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसे डांटा तो वो रोने लग गया। तो पूरा पूजा मैंने उसे गोद में लेके ही किया, और इसी हड़बड़ में पता है मैं खील रखना भूल गई थी। तो मुझे बाद में याद आया कि मैंने खील तो रखा नहीं, क्योंकि दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। क्योंकि जब उसके बाद जब पूजा करने बैठे, दिया जला रही थी, तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं दिया भी नहीं जला पा रही थी, क्योंकि एक डर हो जाता है और उस डर से निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम सोचते हैं कि हमारी तरफ आरुष भी बैठ के हमारे साथ पूजा करे, तो वो नहीं पॉसिबल है। तो मम्मी ने बोला कि तुम दोनों कर लो, फिर मैं कर लूँगी, क्योंकि आरुष को भी संभालने के लिए, कि वो कब क्या कर देता है ना, कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ही पूजा कर रहे हैं, और मम्मी भी कर रही है, क्योंकि ऊपर मंदिर में भी पूजा करेंगे, और फिर नीचे जो भगवान जी को हमने स्थापित किया हुआ है उनमें भी पूजा करेंगे। तो वो पूजा हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया, इतना कुछ होने के बाद भी, क्योंकि फिर जो होना था वो तो हुआ ही, बट हाँ इतने में ही टल गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो बस यही था, इसी की वजह से थोड़ा सा दिवाली हमारा डर में बीता, बट अंत भला तो सब भला ना, लास्ट में सब कुछ ठीक हो गया, तो हम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। लेकिन जब तक पटाखा फूटना बंद नहीं हुआ तब तक मुझे डर लगता रहा, इसलिए मैं बिल्कुल भी पटाखा, मैंने आपको मेरी वीडियो में कहीं भी नहीं दिखेगा कि मैं पटाखा फोड़ रही हूँ, मुझे खुद भी बहुत डर लगता है। और दिल्ली में तो वैसे भी बैन है, बट पटाखे तो बहुत ज़्यादा फूट रहे थे। मैं बिल्कुल भी, मैं फुलझड़ी लेके आई थी, तो आरुष भी बहुत ज़्यादा डरता है, तो आरुष ने भी नहीं छोड़ा। तो जैसा जो फुलझड़ी हम लेके आए थे वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, किसी ने भी नहीं फोड़ा, ना मेरे हस्बैंड को शौक है पटाखा फोड़ने का, ना मुझे। अब बाबू तो डरता ही है, वो नहीं फोड़ता पटाखा। गन वाला भी लेके आए थे तो वो बिल्कुल भी नहीं फोड़ता है, वो छुपा दिया उसने हमसे लेके, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फ्रेंड्स, बस ऐसे ही रही हमारी पूजा। आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, मेरी भी दिवाली बहुत अच्छी रही, बट वही थोड़ा सा वो जो हो गया था उसकी वजह से हम लोग डर गए थे, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल था। जैसे हमने इस बार बहुत अच्छे से तैयारी की थी, बहुत अच्छे से पूजा किया था, भगवान जी को कपड़े पहनाए, भगवान जी कपड़े पहन के बहुत सुंदर लग रहे थे, जो मैंने फर्स्ट टाइम लेके आई थी इनके लिए कपड़े, और ये मूर्ति भी मैं फर्स्ट टाइम ही लेके आई हूँ, तो ये कपड़े पहन के बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे अब मम्मी कर रही हैं पूजा, क्योंकि मैंने नीचे कर लिया था, और आरुष भी पीछे पीछे घूम रहा है,
और वो उस कपड़े में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। उसका जो पजामा है उसकी इलास्टिक थोड़ी सी लूज है तो वो नीचे आ जा रही है, तो उस वजह से वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। तो थोड़ी देर बाद ही फिर पूजा ख़त्म होने के बाद हमने उसको चेंज कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी पूजा, आई होप आप लोगों की पूजा भी बहुत अच्छी हुई होगी। हेलो फ्रेंड्स, तो पूजा हो गया है हमारा, पूजा हमने कर लिया है और सारे मेरे जितने भी फ्रेंड हैं सबको हैप्पी दिवाली। और जस्ट अभी पूजा हुआ है और लेट हो गए हम थोड़ा सा, एक्चुअली बताऊंगी मैं बाद में कि एक्चुअली में क्या हुआ था। तो चलिए मैं आपको अपना बालकनी दिखाती हूँ और ये लाइट ऑफ करिए, ये तो दिखा जाना चाहिए। तो ये जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, और दिखाती हूँ मैं आपको। हैप्पी दिवाली बोलिए। हैप्पी दिवाली। तो ये लगाया है मैंने इधर, गेट बंद करके। तुमने लगाया? मैंने लगाया। हाँ आपने लगाया, तो ऐसा है। और इधर भी, और इधर भी, और रूम पूरा फैला हुआ है। जितनी सफाई हुई थी दिवाली में उतना हो गया है। और आपने क्या पहना हुआ है? कुर्ता। और मैंने पहनी हुई है साड़ी। और दिया जला दिया हमने, दिया इस टाइप का जलाया, इस टाइप का। हवा बहुत तेज चल रही है, बाहर पटाखे फूंक रहे हैं और बहुत तेज हवा चल रही है, इस वजह से दिया रुक नहीं पा रहा है, बुझ जा रहा है। तो इस तरीके का, ये मुंबई का ही है, यहाँ पे नहीं लिया था हमने। तो फ्रेंड्स पूजा हो गया फिनिश और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बस चाय पे हूँ, फास्टिंग पे थी मैं। तो अब हम लोग खाएंगे खाना और पूरा लुक मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। हाँ इस साइड से दिख जाएगा शायद, यस Maybe। तो बस बहुत ज़्यादा काम झाम नहीं किया मैंने, बहुत सिंपल तैयार हुई थी मैं। तो चलिए कुछ खा लेते हैं। तो ये है हमारे डिनर की थाली, आप लोग भी आ जाइए और डिनर कर लीजिए, मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ। तो खाना बहुत टेस्टी बना हुआ था, जैसे आप लोग दिख रहा है, मटर पनीर है, छोले है, रायता है, पूरी, पुलाव, खीर। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।